नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 अगस्त। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 68,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 3,416 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 68,148 पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 77, अरवल में 33, औरंगाबाद में 28, बांका में 58, बेगूसराय में 66, भागलपुर में 128, भोजपुर में 90, बक्सर में 92, दरभंगा में 40, पूर्वी चंपारण में 190, गया में 77, गोपालगंज में 24, जमुई में 42, जहानाबाद में 29, कैमूर में 3, कटिहार में 234, खगड़िया में 50, किशनगंज में 24, लखीसराय में 43, मधेपुरा में 44, मधुबनी में 75, मुंगेर में 57, मुजफ्फरपुर में 118, नालंदा में 102, नवादा में 43, पटना में 603, पूर्णिया में 80, रोहतास में 106, सहरसा में 101, समस्तीपुर में 139, सारण में 94, शेखपुरा में 69, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 65, सिवान में 92, सुपौल में 33, वैशाली में 163, पश्चिम चंपारण में 89। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 43,820 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 388 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने HOD के पद पर निकाली रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग ने पॉलिटेक्निक संस्थानों में HOD के पदों पर रिक्तियां निकाली है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कुल मिलाकर 36 पदों पर नियुक्ति जारी की गई है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है, जो कि 24 अगस्त तक जारी रहेगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। बिहार में जल्द ही सभी जिलों में लागू होगी अपनी क्यारी अपनी थाली योजना। अपनी क्यारी अपनी थाली योजना की शुरुआत बिहार के कई जिलों में जल्द ही होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 4 जिलों यानी कि पटना, खगड़िया, नालंदा, पूर्णिया में कोविड-19 के माहौल से छुटकारा मिलते ही सरकार इस योजना को विस्तार कर सकती है। इस योजना का विस्तार राज्य के सभी जिलों में 23,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में होगा, जहां केंद्र की परिसर में जमीन उपलब्ध होगी। वहीं ICDS ने योजना के लिए जमीन के अनुसार खेती का मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय को सौंप दी है। विश्वविद्यालय ने मॉडल तैयार कर लिया है और सहायिकाओं को खेती का गुर सिखाया जाएगा। जल्द ही आनंद कुमार और अजय बहादुर मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को देंगे टिप्स। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार और जिंदगी फाउंडेशन के अजय बहादुर सिंह एक साथ एक मंच पर आने वाले हैं, जिसके बाद दैनिक भास्कर की तरफ से आयोजित की जाने वाली नॉलेज सीरीज में 9 अगस्त को 12 बजे दोपहर यह दोनों वेबिनार के माध्यम से स्टूडेंट के साथ मिलने वाले हैं और उन्हें मोटिवेट करने वाले हैं। आपको बता दें, इंजीनियरिंग और मेडिकल से जुड़े सवालों का जवाब और कन्फ्यूजन यह दोनों एक्सपर्ट दूर करने वाले हैं, जिसके लिए छात्रों के लिए एक लिंक जारी किया गया है। इसके जरिए छात्र आसानी से इस वेबिनार में जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस छात्रों को dbcorp.zoom.us या tinyurl.com पर जाकर वेबिनार के लिए लॉगिन करना होगा। बिहार मैट्रिक और इंटर में असफल हुए छात्रों को बिहार बोर्ड ने किया पास। कोविड-19 के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के छात्रों के लिए अहम फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले वैसे छात्र जो एक या दो विषय में असफल हो गए थे, उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से पास करने का फैसला सुनाया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षा विभाग की तरफ से मिले दिशा निर्देश के बाद इस पर अपनी मुहर लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार जिन छात्रों ने कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आवेदन किया है, उन सभी छात्रों को अब बिहार बोर्ड में पास करने का फैसला किया गया है। सुशांत के पिता के वकील ने CBI जांच जल्द से जल्द शुरू करवाने की मांग। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के गए हुए 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। वहीं अब उनको इंसाफ दिलवाने के लिए CBI जांच की मंजूरी भी दे दी गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एक बार नोटिफिकेशन होने के बाद 1-2 दिन में बिहार पुलिस इस मामले को हैंडओवर करेगी, जिसके बाद CBI जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जल्द से जल्द CBI जांच की प्रक्रिया शुरू करें, वरना जांच में देरी से जांच प्रभावित हो सकती है। बिहार के किसानों को रेलवे की तरफ से मिली सौगात। बिहार के किसानों को रेलवे की तरफ से बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज से किसानों के लिए स्पेशल पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू करवाया जा रहा है। इस ट्रेन का परिचालन सेंट्रल रेलवे की तरफ से आज से शुरू करवाया जाना है। इसी तरह से इस ट्रेन के परिचालन से बिहार के किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इससे किसानों की आमदनी दोगुनी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कृषि मंत्री और रेल मंत्री ने बीते दिन इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इसकी वजह से किसान देश के कोने कोने में फल, फूल, सब्जी जैसे उत्पाद को कम समय में गंतव्य तक पहुंचाकर मुनाफा कमा सकते हैं।
गोपालगंज के 3 अभ्यर्थियों ने यूपीएससी की परीक्षा में मारी बाजी। यूपीएससी की परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें गोपालगंज के 3 अभ्यर्थियों का नाम शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के रहने वाले प्रदीप सिंह का 26वां रैंक आया है। वहीं सदर प्रखंड के पोस्ट ऑफिस चौक मोहल्ले के निवासी शिवाशीष को 108वां रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं भोरे प्रखंड के जागीरदारी गांव के सुमित कुमार पांडे को 608वां रैंक मिला है। वहीं इन तीनों अभ्यर्थियों के चुने जाने के बाद परिवार में हर्ष और खुशी का माहौल है, साथ ही बधाइयों का तांता भी लगा हुआ है। आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन से छोड़ने के लिए बीएमसी को फिर भेजा गया पत्र। जबरदस्ती क्वारंटाइन किए जाने पर हर तरफ मुंबई पुलिस की आलोचना हो रही है। वहीं अब बिहार की तरफ से एक बार फिर से विनय तिवारी को क्वारंटाइन से मुक्त करने के लिए बीएमसी को पत्र भेजा गया है, जिसके तहत बिहार पुलिस की 4 सदस्य टीम तो बिहार वापस लौट गई है, लेकिन आईपीएस अधिकारी और सिटी एसपी सेंट्रल विनय तिवारी अभी भी मुंबई में है। वहीं जारी किए गए नए लेटर के जरिए बीएमसी से आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन से मुक्त करने की मांग की गई है। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं को दिए कई टास्क। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा जदयू के बाद अब कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर बीते दिन मीटिंग का आयोजन करवाया था, जिसके माध्यम से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों के बारे में जुटे रहने का आह्वान किया गया है। राहुल गांधी ने इसके तहत बिहार से जुड़े करीब 1000 नेताओं के साथ बातचीत की है, साथ ही बाढ़, कोविड-19 और चुनाव पर चर्चा की है। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में राहुल गांधी के अलावा बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल समेत कई अध्यक्ष चुने हुए थे। वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहा है कि बिहार में महागठबंधन को लेकर कोई संशय नहीं है। बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले राजीव ने अपने नाम दर्ज किए हैं कई रिकॉर्ड। बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले एक्रिलिक पेंटर राजीव राज ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। मिली जानकारी के अनुसार राजीव राज ने 4 मंजिला इमारत के बराबर बनाए गए एक्रिलिक पेंटिंग को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया है। यह पेंटिंग 37.5 फीट लंबी और इतने ही लेंथ में 225 कैनवास पर बनाई गई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विशालकाय पेंटिंग को चित्रकार राजीव राज ने 4 विजन पेंटिंग का नाम दिया है। एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का किया घेराव। अपनी मांगों को अनसुना होता देख बीते दिन बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास को एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों ने घेर लिया था। विरोध कर रहे लोगों में स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि हम लोगों का डॉक्टर का एक ही विज्ञापन पर बहाली हुआ था, लेकिन आज तक वह संविदा पर ही है। उनका वेतन भी कम किया जा रहा है, जो कि साथ में बहाली डॉक्टरों की सैलरी अधिक है। विरोध कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि इनको भी आयुष चिकित्सकों की तरह वेतन मिले। जब एक ही विज्ञापन पर फार्मासिस्ट एएनएम और आयुष चिकित्सकों की बहाली हुई तो 2018 में केवल आयुष चिकित्सकों के वेतन को सरकार ने क्यों बढ़ाया। बिहार के 9 जिलों में बिजली की बढ़ी समस्या। बिहार के करीब 16 जिलों में बाढ़ की परेशानी उत्पन्न हो गई है। वहीं बाढ़ की वजह से सूबे के 9 जिले में बिजली की समस्या भी अब देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिजली की समस्या खत्म होने में लगभग 4 से 5 दिन और का समय लग सकता है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने इस बात की जानकारी दी है। विभाग की तरफ से बताया गया है कि उत्तर बिहार में आई बाढ़ के कारण मोतिहारी ग्रिड, दरभंगा ग्रिड उपकेंद्र और अमनौर ग्रिड उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित है। इस वजह से उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान और सारण में विद्युत आपूर्तिकरण बाधित है। मधेपुरा के 3 प्रखंडों को किया गया बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित। मधेपुरा के बाढ़ प्रभावित प्रखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरी सूची में मधेपुरा के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित प्रखंड आलमनगर, चौसा और पुरैनी को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया था, जिसके बाद मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा के विधायक सह बिहार सरकार के मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने बताया है कि मुख्यमंत्री को मधेपुरा और सहरसा जिले में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इन दोनों क्षेत्रों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिसके बाद प्रभावितों को आपदा के नियमानुसार सरकार हर तरह की सुविधा मुहैया करवाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एसआईटी टीम ने आईजी को सौंपी जांच केस की डायरी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच कर रही एसआईटी टीम मुंबई से वापस लौट चुकी है। वहीं पटना लौटी एसआईटी की टीम ने आईजी कार्यालय में पूरे जांच की डायरी सौंप दी है। आईजी कार्यालय में लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में एसआईटी टीम के कप्तान कैसर आलम ने आईजी संजय सिंह को पूरी जांच की जानकारी दी है। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की स्टेटस डायरी आईजी कार्यालय में सौंप दी गई है। वहीं आईजी संजय सिंह ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। 3 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की गई जान। बिहार के 3 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्रितों को 4 लाख और अविलंब अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश भी दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन आकाशीय बिजली गिरने से औरंगाबाद के 2, रोहतास में 1 और जहानाबाद में 1 व्यक्ति की जान चली गई है।
बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक किया गया बंद। बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन स्थापित किया गया है, जिसके लिए ICDS के निदेशक ने सभी जिलों के प्रोग्राम पदाधिकारियों को पत्र भेजकर इस बात की जानकारी दे दी है। निदेशक ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा है कि COVID-19 संक्रमण से लाभार्थियों के बचाव हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को स्थगित करने का फैसले का विस्तार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने इस अवधि में आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को बुलाकर कोई गतिविधि आयोजित नहीं करने का फैसला सुनाया है, मगर यह भी साफ किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली सभी सेवाएं लाभार्थियों के घर तक अब उपलब्ध करवाई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को COVID-19 मरीज से मिलने का जारी किया गया निर्देश। COVID-19 के इस माहौल में इलाज में कोई भी लापरवाही ना हो, इसका ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को COVID-19 हॉस्पिटल का दौरा करने का फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत अधिकारियों को न सिर्फ हॉस्पिटल परिसर में जाने के लिए बल्कि सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए संक्रमित मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जानने का भी निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिसकी शुरुआत खुद प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने की है। बिहार के IPS को क्वारंटाइन करने पर नीरज कुमार ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने महाराष्ट्र के कांग्रेस शिवसेना पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि IPS अधिकारी विनय तिवारी को महाराष्ट्र में क्वारंटाइन किया जाना सरासर गलत है। मुंबई पुलिस IPS अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन करना सही नहीं दर्शाता है कि बिहार पुलिस की जांच प्रगति से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बैठे शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन को परेशानी थी। इस प्रकरण में बिहार के DGP ने भी बात किया है, पर महाराष्ट्र सरकार क्वारंटाइन किए जाने की अपनी जिद पर अड़ी हुई है। रालोसपा कार्यालय में मिलन समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा के विनय कुमार सिंह, गणेश सिंह जैसे कई लोगों को पार्टी की सदस्यता भी इस दौरान ग्रहण करवाई है। वहीं मिलन समारोह के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी पहले से ही मजबूती और आने के साथ पार्टी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ वादे कर रही है, मगर आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे तीखे सवाल। बिहार में बाढ़ और COVID-19 का कहर लगातार जारी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तीखे सवाल जवाब करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए सवाल पूछे हैं, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि पिछले 5 दिनों में बिहार में COVID-19 से 71 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 13,745 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। बाढ़ के कारण 20 लोगों की जान चली गई है। क्या मुख्यमंत्री जी सुपुष्ट अवस्था में बाहर निकलकर जान गंवाने वाले राज्यवासियों को बचाएंगे या नहीं? सुशील कुमार मोदी ने पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए नक्शे पर विपक्ष को लिया आड़े हाथ। पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए नए नक्शे पर विपक्ष दलों की चुप्पी को देखते हुए सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष दलों पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि विडंबना है कि कांग्रेस, राजद और वामदल सहित सभी विरोधी दल ने पाकिस्तानी नक्शे के विरोध में ट्वीट नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान का पूरा विपक्ष इमरान सरकार के साथ खड़ा हुआ है। क्या भारत के विपक्षी दलों के ऐसे रवैये पर उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठना चाहिए? धोनी की वापसी पर रैना का बड़ा बयान आया सामने। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सुरेश रैना ने महेंद्र सिंह धोनी की वापसी पर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत सुरेश रैना का कहना है कि जल्द ही प्रशंसक IPL में टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट लगाते देख सकते हैं। रैना को विश्वास है कि लंबे अंतराल से क्रिकेट मैदान से बाहर रहने के बावजूद धोनी IPL में अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेल सकते हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मैं उनके साथ चेन्नई में मौजूद था और COVID-19 के पहले उन्होंने काफी अभ्यास भी किया था। उम्मीद है कि प्रशंसक जल्द ही धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट लगाते देखेंगे। आप धोनी को उनके बेहतरीन फॉर्म में देख सकेंगे, वो IPL के लिए तैयार हैं। एडुकेट कंपनी BYJU ने छात्रों को कोडिंग सिखाने वाली कंपनी व्हाइट हैट जूनियर को खरीदा। एडुकेट कंपनी BYJU ने हाल ही में व्हाइट हैट जूनियर को लगभग 2200 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, जिसके तहत कंपनी ने साफ तौर पर कहा है कि व्हाइट जूनियर को खरीदने के लिए यह एडुकेशन टेक्नोलॉजी में और मजबूत होकर उभरने के साथ ही व्हाइट हैट जूनियर की लाइव ऑनलाइन कोडिंग में विशेषज्ञता कंपनी का कारोबार बढ़ाने में मददगार साबित होगा। 2018 में शुरू हुई व्हाइट हैट जूनियर 6 से 14 साल के छात्रों को गेम एनिमेशन और एप्स बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग देती है। इसके लिए कोडिंग के फंडामेंटल गुण सिखाए जाते हैं। वहीं कंपनी का कहना है कि कोडिंग स्किल के आने वाले दिनों में खासी मांग होगी, यह भविष्य का स्किल है। किसी को ध्यान में रखते हुए व्हाइट हैट जूनियर को खरीदा गया है। ये रिश्ते हैं प्यार के में काम कर रहे एक्टर समीर शर्मा ने ली अपनी जान। सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी थमा नहीं था कि एक और अभिनेता के खुद के जान लेने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार स्टार प्लस पर प्रसारित ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल में काम करने वाले समीर शर्मा ने अपनी जान ले ली है। समीर शर्मा की बॉडी बीते दिन उनके घर में ही पंखे से लटकी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार समीर शर्मा मुंबई में मलाड स्थित घर में अकेले रह रहे थे। उनकी पत्नी जब उनसे फोन पर बात नहीं कर पाई तो उन्हें कुछ शक हुआ। पति के दोस्त को फोन कर समीर के घर जाने के लिए कहा। वहां जाकर देखा तो समीर शर्मा की बॉडी पंखे
से लटकी हुई थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आलोक कुमार, विक्की कुमार, प्रशांत कुमार, अमित कुमार, अमित पोदार, कुमारी पिंकी, वीरेंद्र कुमार, पीयूष कुमार, सत्यम सिंह, रुद्रांश सिंह, प्रवीण सिंह, शालिनी राय, रवि कुमार, विशाल कुमार, सहदेव सिंह, शादाब अहमद, मनोज कुमार, गौतम कुमार, दिव्यांशु कुमारी, कमल कुमार, अभय कुमार पासवान, मनीष यादव। इसके अलावा हमारी टीम को अभी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के इस माहौल में बिहार सरकार की तरफ से लगाया गया लॉकडाउन कितना कारगर साबित हो रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल नॉनस्टॉप खबरें को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।